पाकिस्तान की हिमाकत तो देखिए, अपने घर के मसले उससे हल नहीं हो रहे हैं और हमारे मसलों में बेवजह वो बयानबाजी कर रहा है। वो मसले जिन पर हाईकोर्ट भी अपना फैसला सुना चुका है, आप समझ चुके होंगे, हिजाब हिजाब और हिजाब। दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमबी स्पीक्स। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। जी हाँ, हिजाब। मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, उसने दो बातें कही। पहली, हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरी, स्टूडेंट्स या कॉलेज की जो स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज की जो एक निर्धारित यूनिफॉर्म है उसे पहनने से वो इनकार नहीं कर सकते। ऐसा करके कोर्ट ने भारत का सभी धर्मों के प्रति अपना साफ सुथरा दृष्टिकोण रखा है। अब इस पर पाकिस्तान के लोगों को, मंत्रियों को काफी तकलीफ हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इस पर एक बड़ा बयान दिया है। एक और बात, हाईकोर्ट ने हिजाब के समर्थन में मुस्लिम लड़कियों समेत दूसरे लोगों, जिन लोगों ने याचिकाएं अपनी लगाई हुई थी, उनकी कुल एक तरह से अपनी तरफ से और ये फैसला न जाने क्यों पाकिस्तान को नागरिक मुहिम का एक गिरा हुआ स्तर है। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुहिम में मुस्लिमों को निशाना बनाने के लिए सेक्युलरिज्म की आड़ ली कह रहा है को वो आजादी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जो आजादी भारतीय मुस्लिम महिलाएं भारत में रहकर एंजॉय कर रही है। इसकी एक नहीं कई मिसालें हैं। पाकिस्तान के घर में कई मसले चल रहे हैं, पहले उनसे निपट ले, बाद में बात करें मसलों की। जबरदस्त फिदाई दहल चुका है में 4 सैनिकों की मौत हो गई है और 10 गंभीर रूप से घायल हुए। अगिमान खबर की पहचान अब्दुल रहमान अल बदी है, यानी कि प्रधानमंत्री खान इन दिनों घिरे हुए हैं। एक तरफ आतंकी संगठन पाक शहरों को अपना निशाना बना रहे हैं, वहीं कट्टरपंथी जमाते सरकार को हर और जो ये बयान है ये भी उसी का हिस्सा है। मैं एक बार फिर से हिजाब की बात करती हूँ, जिसे बेवजह तूल दिया गया इस विवाद को। के पीछे कोई बयान देने सोचना चाहिए या फिर भारत को ही उसकी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए? क्या कहते हैं आप? तो अपनी राय मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे आपके कमेंट का। फिर मिलती हूँ आपसे किसी और के साथ, किसी और खबर के साथ, किसी और किस्से के साथ। तब तक आप अपना, अपनों का किए। जय हिंद, जय भारत।